इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मीहान कैंपस का उद्घाटन देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों किया गया। इस मौके पर महानुभव मौजूद। उपराजधानी के मीहान स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर के नए कैंपस का भव्य उद्घाटन देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों किया गया। इस मौके पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी किसी कारणवश नहीं पहुँच पाए, तो वहीं मंच पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, सुभाष देसाई, नितिन राउत, देवेंद्र फडणवीस, विकास महात्मे, कृपाल तुमाने, सीपी गुरबानी, डॉक्टर भीमराय मेट्री आदि मौजूद थे। इस मौके पर मंच से बातचीत करते हुए अपने भाषण में देवेंद्र फडणवीस इन्होंने कहा कि एक बहुत सुंदर कैंपस देखने को मिला, रिकॉर्ड स्पीड में ये काम हुआ है जिसके लिए सभी बधाई के पात्र है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल पहले देखा सपना अब कहीं साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैश्विक मानव संसाधन होने से इसका लाभ विद्यार्थियों को होगा। नागपुर के IIM प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 2015 में VNIT में इसकी शुरुआत हुई। नए भारत के कल्पना को प्रत्यक्ष रूप लाने का काम IIM कर रहा है। एम्स को 200 एकड़ जमीन दी है, वहाँ पर भी सर्वोत्तम नेशनल इंस्टीट्यूट लाने का काम हुआ है। नागपुर एजुकेशन का हब बना है। मानव संसाधन इस स्पर्धा में जब तक वैश्विक स्तर का नहीं कर पाता, तब तक दुनिया को आकर्षित नहीं कर सकते। अच्छा कैंपस बनने से कई नई अच्छी बातें होती है। विदर्भ, महाराष्ट्र देश के लिए गौरवपूर्ण बातें इसी कैंपस से निकलेगी, ऐसा आशावाद उन्होंने अपने भाषण के दौरान व्यक्त किया। भारत के दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल पहले एक सपना देखा, भारत में वैश्विक मानव संसाधन तैयार हो, और वैश्विक मानव संसाधन तैयार करने के लिए हमारे युवाओं को अवसर मिले, इसलिए देश की जो आइकॉनिक नेशनल इंस्टीट्यूशंस थी उसके विस्तार का निर्णय उन्होंने लिया, और उसी निर्णय के तहत महाराष्ट्र को भी एक IIM मिलेगा इस प्रकार। तो वहीं सुभाष देसाई इन्होंने अपने भाषण में कहा कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे इन्होंने जो विदर्भ का विकास देखा था वो IIM के रूप में पूरा हो चुका है। यह सेंटर कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा। जर्मन, फ्रांस, डेनमार्क और बाकी देशों को IIM से जुड़ेंगे ताकि उद्योग जगत में और बढ़ोतरी हो सकेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने सभी को न्याय देने का काम किया है, ठीक उसी प्रकार से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार ने IIM को पूरी मदद करेगा। इस संस्था से बुद्धिमान विद्यार्थी तैयार होंगे, ऐसी अच्छी संस्था देश का नाम का परचम लहराएगा, ऐसा भाषण के दौरान सुभाष देसाई इन्होंने कहा। आणि त्या दृष्टीने हे फार महत्त्वाचं पाऊल पडतं आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लोकाभिमुख आणि सर्वोत्तम प्रशासन व्यवस्थेचा पाया रचला। महाराष्ट्र त्या पाऊल खोणांचा मागोवा घेत मार्ग चालत आहे, आणि मला असं वाटतं की ह्या मार्गावरचं IIM नागपूर हा एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरतोय। आणि म्हणून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी, श्री उद्धव साहेब ठाकरे यांनी नागपूरच्या ह्या IIM। तो वही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2015 से चलने वाले IIM कैंपस का आज लोकार्पित हुआ है। 161वां जन्मदिन आज रविंद्रनाथ टैगोर का है। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की थी, और आज जन्मदिन के अवसर पर IIM कैंपस का शुभारंभ होने जा रहा है, यह भी एक योगायोग है। दुनिया के विकसनशील को बढ़ावा यह कैंपस दे सकता है। ज्ञान शिक्षा का सागर IIM है। मैं लोकार्पित हो रहा है, इसीलिए आज शुभ है। आज भारत की युग पुरुष
पूज्य गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी के जन्मदिन है, 161वां जन्मदिन है, जिन्होंने आजाद के समय में शिक्षा को, इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन की कल्पना किया, श्री निकेतन की कल्पना किया। उस कल्पना के पीछे भारत की भविष्य कैसे होगा। आईआईएम के उद्घाटन अवसर पर मंच से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, राष्ट्रपति द्वारा किए गए उद्घाटन से मैं काफ़ी खुश हूँ। ये जगहों को यदि देवेंद्र जी नहीं देते तो ये कैंपस का निर्माण भी नहीं होता। नागपुर यह एजुकेशन हब, लॉजिस्टिक हब और मेडिकल हब बने, यह सपना आईआईएम से पूरा होगा। विदर्भ में भी नागपुर WCL का सेंटर है, टाइगर कैपिटल है, IT हब, मेडिकल हब, लॉजिस्टिक हब भी बन रहा है। आईआईएम से निकले विद्यार्थी भविष्य को बेहतर बनाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने अपने विभाग से राशि दी तथा मॉडल का स्वीकार किया। जो विद्यार्थी आईआईएम में पढ़ रहे हैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, ऐसा भाषण के दौरान नितिन गडकरी इन्होंने कहा। हब बने, नागपुर लॉजिस्टिक हब बने और नागपुर मेडिकल हब बने, ये हमारा सपना था। और मुझे इस बात की खुशी है कि मिहान के निर्मिति के बाद सभी बड़ी बड़ी कंपनियां आज मिहान में आई हैं। आने वाले समय में टाटा की टाल है, इन्फोसिस है, SCL है, वर्ल्ड की अच्छी अच्छी कंपनियां अब मिहान में आई हैं। और जो फाल्कन नाम का जो जेट है वो भी अब 22 फरवरी एंड तक नागपुर में बनने वाला है। इसके साथ साथ एयरबस और बोइंग के 1200 पार्ट्स नागपुर में टाल कंपनी बनाती है। तो नागपुर में MRO भी है, प्राइवेट MRO है, एयर इंडिया का भी है जो मिहान में है, जहां निश्चित रूप से इसका मेंटेनेंस भी होगा। आदरणीय राष्ट्रपति, तो वहीं अपने अध्यक्षीय भाषण में देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन्होंने कहा, इस IIM से विद्यार्थियों के शिक्षा का संवर्धन होगा। केंद्र व महाराष्ट्र सरकार का मैं धन्यवाद भी करता हूँ जिन्होंने नागपुर में IIM संस्था लाई है। जीवन जीने का उद्देश्य और एम्बिशन को इस कैंपस से विद्यार्थी पूरा कर सकेंगे। इस कैंपस से निकले छात्रों को बड़े रोजगार के अवसर मिलेंगे। सावित्रीबाई फुले और आनंदीबाई जोशी, इन्होंने महिलाओं को बेहतर शिक्षा देने की अच्छी पहल की थी। नागपुर शहर में IIM कैंपस में सभी तबके के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं और सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसी बात राष्ट्रपति इन्होंने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी है। डायरेक्टर IIM नागपुर डॉक्टर B मैत्री जी, डिस्टिंग्विश गेस्ट, डियर स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज़ अ मोमेंट ऑफ इमेंस प्लेजर As I stand amid you all today in this newly inaugurated campus of Indian Institute of Management, Nagpur. I am sure that this institute with the permanent campus will not only be the academic training ground, but it will be a life molding experience for the students also. I am also happy to know that besides an outlay of more than rupees 500 crores, about 132 acres of land has been allotted for the construction of this permanent campus. I would like to congratulate the Government of India and the Government of Maharashtra for taking these measures. I also extend my best wishes to each person associated with the establishment of the new campus. Ladies and gentlemen, education institutes are not just mere places of learning. It is the place which polishes the inner and sometimes even hidden talents in each one of us. The curriculum gives us the occasion to introspect within ourselves the purpose, the ambition, and hence fulfill our dreams. We are living in an era where innovation and entrepreneurship are appreciated and encouraged. The stories of various unicorns.
मिहान के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैंपस से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।